चिकित्सा के क्षेत्र का आधा अधूरा ज्ञान जान मुसीबत में डाले हुई है। कोई कार्रवाई न होने से झोला छाप आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं से सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इन झोला छाप पर शिकंजा कसने में स्वास्थ्य विभाग नाम क्यों है? हालांकि विभाग हर बार यही दावा करता है कि झोला छापों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक फर्जी डॉक्टर बाजार सटे भुड़कुड़ा कोतवाली से महज 100 मीटर दूर और एसडीएम के आवास के पीछे पीछे चंद्रावती हॉस्पिटल हेल्थ के नाम से अपना हॉस्पिटल खोले बैठा है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 960 है। फर्जी तरीके से हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और खुद मरीजों का इलाज और ऑपरेशन करता है। मजे की बात यह है कि जिस डॉक्टर के नाम से हॉस्पिटल पंजीकृत है, उस डॉक्टर का यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही कभी हॉस्पिटल कभी आते हैं। महज कुछ पैसा देकर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुखदार झोला छाप डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल के महिला स्वास्थ्य कर्मियों से अपनी सांठगांठ बैठाए रखा है। जब भी सरकारी हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी की केस आती है या बच्चेदानी संबंधित कोई समस्या आती है तो सीधे इस हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है और हर केस लाने पर कमीशन फिक्स रखा है। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ घर है आपका? सुल्तानपुर। क्या दिक्कत है आपको? मवाद चलत रहे। अच्छा, पेट से मवाद चल रही है? पेट से, सर से भी। तो आपका ऑपरेशन हुआ था? हाँ। कहाँ पे? चंद्रावती हॉस्पिटल। चंद्रावती हॉस्पिटल कहाँ पे? तहसील के पीछे जखनिया। जखनिया में हुआ था? तो मवाद कैसे बन गई थी आपके पेट में? अब हमकी खुद ना पता, डॉक्टर रुमाल छोड़ दे रहे नहीं है। अच्छा, डॉक्टर रुमाल निकलना। अच्छा, आपको पेट में मतलब डॉक्टर ऑपरेशन राजेश की थी चंद्रावती वाले, बोल चुके से कि कैसे रुमाल छोड़ दे रहे। रुमाल छोड़ दी थी? हाँ। इसके बाद आप वहाँ पे गई तो क्या बोले आपसे? वहाँ पे गई तो वहाँ पे कान वान की ठीक हो जाए। अच्छा, खाली साजिश वगैरह पट्टी बदल लूँगा, सुई दें, सुई या दवाई जो चले तब दवाई। अच्छा, लंबे समय तक आपको सुई दवा चलाएं, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा? 9 दिन चला हूँ मैं सुई। 9 दिन। फिर इसके बाद फिर आप जैसे आप मऊ में आके फिर यहाँ पे इलाज करा रही हैं?